कोरोना वायरस को रोकने के लिए दो सगे भाइयों ने सैनिटाइजेशन मशीन बनाकर कलेक्ट्रेट में लगाने के लिए डीएम कुमार प्रशांत को भेंट की और डीएम ऑफिस में आने वाले फरियादियों को सैनिटाइजेशन मशीन से होकर जाना पड़ेगा। और लालपुर ऊपर पारा के रखने वाले दोनों भाई शाहिद सैफी और इमरान सैनी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस मशीन को बनाया है। मशीन की कीमत 70,000 रुपये है। विजय हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय, जिलाधिकारी के कार्यालय में इस मशीन को एक तरीके से गिफ्ट किया गया है इन दोनों भाइयों की तरफ से, क्या कहना था इनका, क्या इनकी मंशा थी और ऐसा क्यों किया गया? बिल्कुल राजेश, बता दूं ये एक प्रतिभा की धनी है दोनों भाइयों। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है और लगातार लोग उसका शिकार हो रहे हैं, इसी क्रम में बदायूं में दो युवा भाइयों ने एक मिसाल पेश की है टेक्नोलॉजी की और मिलकर एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन को बनाया है और उसे जिलाधिकारी कार्यालय को गिफ्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजकल जो कोरोना से बचाव के लिए जो सुविधा है उसमें एक सैनिटाइजेशन मशीन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक मिसाल कायम की है बदायूं में ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन बनाने के लिए। राजेश भाई, जिलाधिकारी बदायूं कुमार प्रशांत ने भी इनकी प्रतिभा का लोहा माना है और उनको शुभकामनाएं। क्या इस तरह की और मशीनें भी ये बना रहे हैं और क्या ये बाजार में भी सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की पहल है जाहिर है इससे काफी इफेक्ट होगा सैनिटाइजेशन को लेकर। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आज कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसी मशीनों को मार्केट में आना चाहिए और उनका इस तरीके से प्राइम न्यूज ने उनसे बात की तो उनका साफ कहना था कि आगे भी हम इसको जारी रखेंगे और जो भी हो सकेगा इस महामारी के दौर में हम उस महत्वपूर्ण मशीनों को बनाकर लोगों को वितरित करेंगे। एक मशीन की लागत लगभग राजेश 70,000 आती, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, लेकिन उनका उद्देश्य जरूर है इन मशीनों को आगे जरूर ऊपर बनाना और अन्य लोगों को भी सप्लाई करना। राजेश शुक्रिया विजय जानकारी के लिए। तो दोनों भाइयों ने जिला अधिकारी को ये मशीन सौंपी, एक तरह से उन्हें गिफ्ट की।